तो ये वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़कर यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर भारत के राजनयिकों, शीर्ष राजनयिकों, बिना किसी आधार पर, बिना किसी ठोस सबूत के यूं निष्कासित कर दिया जाता है, तो सीधे सीधे इसका मतलब यही है कि आप भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विक्रांत, क्या कुछ आप कहेंगे? हम चाहेंगे कि जल्द इस पर भी एक रिएक्शन जरूर आए। निष्कासित कर दिया जाता है बिना किसी सबूत के, बिना किसी इस जानकारी के। आप भारत सरकार की मदद मांग सकते थे, क्योंकि भारत अपनी पड़ोसी मुल्कों की विदेशी जमी पर मदद के लिए हमेशा तैयार रहते, लेकिन इस तरह से निष्कासित करना। देखिए, बिल्कुल, भारत सरकार ने जब इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ आपने जब G20 के लिए आप आए थे वहां पर आप ये मुद्दा उठा चुके हैं, वहां पर आपको भारत सरकार अपना जवाब दे चुकी है, और उसके बाद जब आप अपने देश में वापस लौटते हैं तो वहां पर इस तरीके का बयान देते हैं। साफ साफ दिखाता है कि ये पूरी तरीके से कनाडा सरकार की खींच दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गया इस हत्याकांड के बारे में उनकी जांच एजेंसियां कुछ पता नहीं लगा पा रही है, और वहां की जो जनता है, वहां के जो उनके समर्थक हैं, जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक फल रहे हैं सरकारी संरक्षण में, उनको एक संदेश देने के लिए, उनको एक तरह से ये कहा जा सकता है कि खुश करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साफ है कि भारत ने भी जिस तरीके से अपना कड़े शब्दों में जवाब दिया है, भारत ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो किसी तरह के दबाव में पीछे होने वाला नहीं है, और जिस तरीके से वहां पर खालिस्तानी समर्थकों को पूरा सरकारी संरक्षण प्राप्त है, उसे बंद किया जाना चाहिए। भारत ये कई बार बोल चुका है, और अब भारत जिस तरीके से अपनी बात को आगे रख रहा है, जिस समय यहां पर G20 दौरान बातचीत हो रही थी तब भी भारत ने बड़े कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था, और अब निश्चित तौर पर यह मामला और आगे बढ़ेगा। अभी हालांकि विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया, हमें देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले में आधिकारिक रूप से कुछ बोलती भी है, कोई कार्रवाई इसमें की जाती है, वो सब चीजें अभी देखनी होंगी। और देखिए, ये सफाई नहीं है भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जोश में आकर या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में भारत की अस्मत को, भारत के वजूद को एक खालिस्तानी आतंकी के चलते कटघरे में खड़ा करता है। भारत जवाब देना जानता है, क्योंकि ये आज का भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। वो जानता है कि कदम कदम पर वो बात सुनता नहीं है, बल्कि वो ये समझता भी है कि बात को किस तरह से रखी जाती है। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से आप समझना चाहेंगे, पूरे इस निर्जर हत्याकांड को जून में इसे अंजाम दिया गया था, तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से, ताकि तफसील से हमारे दर्शक भी समझ सके कि आखिर ये कौन सा हत्याकांड है। देखिए, निजर हत्याकांड की अगर बात करें तो लगातार वो खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को हवा देते रहते हैं। महत्वपूर्ण नेता थे, ब्रिटिश कोलंबिया में उनकी हत्या हुई थी, और सिख समर्थकों को जो कि खालिस्तान समर्थन का दावा करते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, उनको हवा देते रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमले होते रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत के अधिकारियों के खिलाफ, भारत के उच्चायुक्त और कॉन्सुलेट के आसपास जो भी गतिविधियां सिख समर्थकों की तरफ से की गई, उसमें उनका हाथ बताया जाता रहा है। तो भारत विरोधी गतिविधियों में या भारत विरोधी बयान में उनका नाम लगातार शामिल रहा है, और सिख फॉर जस्टिस से भी उनका जुड़ाव रहा है। एक चीज, जून में उनकी हत्या होती है जब वो गुरुद्वारे के आसपास थे, उस दौरान उनकी हत्या होती है, तब भी कनाडा की सरकार की तरफ से तब जांच की कार्रवाई शुरू की गई थी। तब भी कनाडा ने यह कहा था कि भारत या इस तरह की हिंसा खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भारत की तरफ से जो बार बार मांग की जाती रही कि आप कार्रवाई करें, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब विदेश मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया था कि कनाडा जो है ये मानने को तैयार नहीं कि वो इस तरह की हिंसा को हवा दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो पिछले 3 से 4 महीने में कोई भी कार्रवाई कनाडा की तरफ से अब तक नहीं की गई, लेकिन लगातार संबंधों में गिरावट के संकेत मिलने लगे थे। आपको याद होगा अभी G20 सम्मेलन के दौरान, शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए आपका, लेकिन इतना यहाँ पर तय है कि हिंदुस्तान जवाब देना जानता है, और हिंदुस्तान ने अभी अपने जवाब की शुरुआत यहाँ पर कर दी है।